आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया, आपके साथ मैं हूं पराग गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में कश्मीर हिंसा पर पहली बार बोले पीएम मोदी, कहा जिन हाथों में लैपटॉप होने चाहिए उन हाथों में आतंकियों ने थमा दिए पत्थर। मणिपुर में अफसफा हटाने को लेकर 16 साल से अनशन पर बैठी इरोम शर्मिला ने तोड़ा अनशन। अनशन तोड़ने के बाद मणिपुर के सीएम बनने की जताई इच्छा। अरुणाचल के पूर्व सीएम और कांग्रेस के बागी नेता कलिखो पुल ने की खुदकुशी, घर में पंखे से लटकता मिला शव। पीएम मोदी, सोनिया और राहुल गांधी ने जताया शोक। फिर सामने आया आतंकवाद को लेकर पाक का नापाक चेहरा, आतंकी बुरहान को शहीद बताकर आजादी स्पेशल ट्रेन पर लगाई बुरहान की तस्वीर। बुलंदशहर मां बेटी गैंगरेप मामले का मुख्य आरोपी दो साथियों सहित गिरफ्तार। मेरठ के मवाना से हुई आरोपी बावरिया गिरोह के सरगना सलीम की गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार ने सभी आरोपियों को पहचाना। सबसे पहले बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जन्म स्थली भाभरा गांव पहुंचे। वहां पहुंचकर पीएम ने 70 साल आजादी याद करो कुर्बानी कार्यक्रम की शुरुआत। इस मौके पर पीएम ने देशभक्ति राष्ट्र प्रेम के साथ साथ देश के मौजूदा हालात पर भी अपनी बात रखी और कहा कि हमारा झंडा हमें भारत के भविष्य को बदलने के लिए प्रेरित करता है और हम में देशभक्ति की भावना को जगाता है। कश्मीर के मौजूदा हालात का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, जिन युवाओं के हाथ में लैपटॉप होने चाहिए थे उन्हें पत्थर पकड़ा दिए गए हैं। जिन बालकों के हाथ में, जिन युवकों के हाथ में, जिन बच्चों के हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, जिन बालकों के हाथ में वॉलीबॉल का बॉल होना चाहिए, क्रिकेट का बैट होना चाहिए, मैदानों में मस्ती से खेल होना चाहिए, हाथ में किताब होनी चाहिए, मन में सपने होने चाहिए, आज ऐसे निर्दोष बालकों के हाथ में पत्थर पकड़ा दिए जाते हैं। कुछ लोगों की राजनीति तो चल पाएगी, लेकिन मेरे इन भोले भाले बालकों का क्या होगा, मेरे इन भोले भाले बच्चों का क्या होगा। और इसलिए इंसानियत, कश्मीरियत, इसको दाग नहीं लगने दिया जाएगा। मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल का शव उनके घर में पंखे से लटका मिला। बताया जा रहा है कि 47 साल के कलिखो पुल ने खुदकुशी की है। सीएम पद छोड़ने के बाद कलिखो पुल अपने 5 बच्चों के साथ सीएम बंगले में ही रह रहे थे। कलिखो पुल की खुदकुशी के बाद उनके समर्थकों में भारी गुस्सा फैल गया है। नाराज समर्थकों ने डिप्टी सीएम के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। आवास के अंदर जाकर भी समर्थकों ने तोड़फोड़ की। यूपी में अखिलेश सरकार बच्चों को लैपटॉप बांट रही है। बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों के जरिए उच्च शिक्षा की बात कर रही है, दावे ठोक रही है, लेकिन बच्चे सीख क्या रहे हैं आप भी जरा गौर से देखिए। देखिए इस तस्वीर को। स्कूल के बच्चों के सामने अगर इस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं की भक्ति की जाएगी तो वो क्या सीखेंगे? क्या उनके मासूम मन में ये भाव नहीं आएगा कि अगर हमने भी सपा नेता शिवपाल यादव जैसे बड़े लोगों के चरण छूकर पीने शुरू कर दिए तो क्या पता हम भी कल को ऋतु मैडम की तरह एसडीएम बन जाएं? भले ही इस चरण छूने के पीछे कोई और वजह रही हो सकता है कि शिवपाल यादव ऋतु पुनिया के दूर की रिश्तेदारी में चाचा, मामा या फिर दादा सरीखे लगते हों, लेकिन तो भी क्या ये जरूरी है कि एक पारिवारिक सम्मान के सिस्टम को एसडीएम अपने सरमाथे रखकर इस तरह से चलें कि हर जगह चरण धो धो कर पी जाएं? यहाँ एक बात और ध्यान रखने लायक है। एसडीएम, डीएम, एसपी, एएसपी कुछ ऐसे प्रशासनिक पद हैं जिनकी ड्यूटी 2400 घंटे जारी रहती है।
क्योंकि उन पर पूरे सूबे की जिम्मेदारी है। तो इसी लिहाज से ये आधी रात में भी एसडीएम होते हैं और सरकारी छुट्टी के दिन भी वो एसडीएम ही होते हैं। जाहिर है एसडीएम का इस कदर छात्रों के सामने शिवपाल यादव के चरण छूना कहीं ना कहीं यूपी के हमारे देश के बच्चों को एक ऐसा संदेश देता है जिसका असर उल्टा हो सकता है। वो पढ़ने की बजाय आगे बढ़ने के लिए नेताओं के चरणों की धूल न बनना शुरू करते। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपोज इंडिया। ये तो आपने देख लिया कि एसडीएम साहब ने शिवपाल साहब के पैर छुए, लेकिन उन्होंने पैर क्यों छुए ये भी जान लीजिए। एसडीएम ऋतु पुनिया ने स्कूल के छात्रों के सामने शिवपाल यादव के पैर छुए, लेकिन ये पैर क्यों छुए इसके लिए जरा रिवाइंड करना पड़ेगा, शुरू से देखना पड़ेगा। कार्यक्रम शुरू हुआ। शिवपाल यादव जी ने तलवार दिखाकर एवं उद्घाटन समारोह का श्री गणेश करवाया और यहाँ पर एक महिला ने शिवपाल यादव के पैर छुए। इसके बाद शिवपाल ने कुर्सी संभाली और बैठ गए। तभी साहब को आराम से कार्यक्रम का आनंद लेते देख एसडीएम साहिबा आईं और उन्हें देख डीएम भी फौरन आगे से ही लपक कर आ गए। दोनों ने मिलकर कुछ बातचीत की। अचानक से ऐसा हुआ कि एसडीएम साहिबा के चेहरे पर खुशी की लहर आई और उन्होंने भावावेश में छू दिए नेताजी के पैर। अब ये पैर छूने की तीन थ्योरी हो सकती हैं कि किसी अन्य महिला के द्वारा नेताजी के पैर छूकर आशीर्वाद पाने का सिलसिला देख ऋतु पुनिया ने भी इसी रास्ते से शिवपाल यादव को खुश करने के लिहाज से अकेले में मौका देख छू डाले पैर, या फिर दूसरी थ्योरी सामने आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डीएम ने ऋतु की तारीफ की, तरक्की के लिए कह दिया और शिवपाल भी खुश हो गए। इस मौके पर ऋतु पुनिया अपनी खुशी संभाल नहीं पाई और छू डाले नेताजी के पैर। क्या थी पैर छूने की वजह? क्या डीएम ने शिवपाल से ऋतु पुनिया की तारीफ की? क्या इम्प्रेस करने के लिए छू दिए चरण? या फिर ये भी हो सकता है कि इनके किसी निजी रिलेटिव को लेकर भी सिफारिश की गई हो और जब शिवपाल यादव ने उसको लेकर आश्वासन दे दिया हो तो खुशी में फूली न समाती एसडीएम साहिबा ने पैर छू डाले। लेकिन सवाल ये है कि उनकी मनोकामना क्या थी? एसडीएम ने क्यों की शिवपाल भक्ति? क्या मनोकामना पूरी कर देंगे शिवपाल? ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपोज इंडिया। अब उत्तर प्रदेश में यादवों और मुसलमानों का राज होगा। ब्राह्मण को कश्मीर की तरह यूपी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। चौंकिए मत, दरअसल ये हम नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी में सैनिक प्रकोष्ठ प्रभारी राजीव कुमार यादव कह रहे हैं। जरा गौर से सुनिए कि किस तरह से एक अधिकारी को वो इस बात से अवगत करा रहे हैं। इस सरकार की प्रायोरिटी है हाँ। यादव प्लस मुस्लिम हाँ। और हम लोग कहाँ जाएं? हम हिंदू ब्राह्मण कहाँ जाएं? 8 दिन बाद बोला कौन था? मुसलमानों का देश है। किसका? यादव का, मुसलमानों का। कौन सा देश है मुसलमानों का? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। हम ब्राह्मण कहाँ चले जाएं? आप जाइए मोदी के देश में अहमदाबाद। मोदी के देश में हम चले जाएं? हम यूपी छोड़ दें? और क्या, ठीक है। आप कश्मीर छोड़ सकते तो यूपी हम छुड़ाएंगे आप। यूपी आप हमसे छुड़वा लोगे? अरे जाओ यादव जी, कहीं तक छुड़वा तो लिया। मिला देंगे आपको। 8 दिन बाद बोला कौन था? मुसलमानों का देश है। किसका? यादवों का, मुसलमानों का। कौन सा देश है मुसलमानों का? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। हम ब्राह्मण कहाँ चले जाएं? आप जाइए मोदी के देश में अहमदाबाद। मोदी के देश में हम चले जाएं? हम यूपी छोड़ दें? और क्या, ठीक है। आप कश्मीर छोड़ सकते तो यूपी हम छुड़ाएंगे आप। यूपी आप हमसे छुड़वा लोगे? अरे जाओ यादव जी, कहीं तक छुड़वा तो लिया। मिला देंगे आपको। 8 दिन बाद बोला कौन था? मुसलमानों का देश है। किसका? यादवों का, मुसलमानों का। कौन सा देश है मुसलमानों का? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। हम ब्राह्मण कहाँ चले जाएं? आप जाइए मोदी के देश में अहमदाबाद। मोदी के देश में हम चले जाएं? हम यूपी छोड़ दें? और क्या, ठीक है।
आप कश्मीर छोड़ सकते हो तो यूपी हम छुड़ाएंगे आप। यूपी आप हमसे छुड़वा लोगे? अरे जाओ यादव जी, कहीं से कहीं तक छुड़वा तो लिया मेरे को। आपको हम यूपी छोड़ के चले जाएं? हम कश्मीर छुड़वा दिया आपने हमसे, और क्या ये छुड़वा दोगे हमसे आप? छुड़वा दे क्या, यूपी छुड़वाओगे मेरे साथ? फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखेंगे यूपी की खास खबरें। आप बने रहिए हमारे।